तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सोयाबीन मसाला की रेसिपी बनके तैयार है। ये देखिए कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है, टेस्ट मुझसे कहीं ज़्यादा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव हूँ, राजीव किचन इन्फो आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोयाबीन मसाला की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोयाबीन मसाला बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने एक टमाटर लिया मीडियम साइज़ का और दो बड़े साइज़ का प्याज और सबका प्योरे तैयार किया। प्याज में ही हमने अदरक और लहसुन, अदरक हमने 1 इंच का टुकड़ा और लहसुन 4 से 5 कलियाँ को हमने एक साथ पीस लिया है और सोयाबीन को हमने 2 मिनट तक पानी में भिंगाया है और 4 से 5 मिर्ची को हमने काटा है। अब हम भीगे हुए सोयाबीन को फ्राई करेंगे, तो कढ़ाई में हमने तेल डाल के इसको फ्राई करना शुरू किया है। इसको फ्राई इतना करना है फ्रेंड्स कि इसका कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल सुनहरा करना है। तो पानी में हम सोयाबीन को ज़्यादा देर तक भिगाएंगे नहीं, बस 2 से 3 मिनट तक भिगाएंगे, केवल इसमें मॉइस्चर आ जाए। मॉइस्चर आने से इसका क्या है ना, फ्राई करने में थोड़ा सा अच्छा होगा, नहीं तो ये फ्राई नहीं होगा इसे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम फिर से तेल डालेंगे थोड़ी सी, और इसमें हमने 2 तेज़पत्ता और आधी से थोड़ी सी कम चम्मच हमने खड़ा जीरा का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें जो है कटा हुआ मिर्च ऐड करेंगे। कटा हुआ मिर्च हमने 4 से 5 इसमें डाला है। अब हम प्याज का जो हमने प्योरे तैयार किया था, प्याज अदरक लहसुन का, तो उसे हम डालेंगे। ध्यान देंगे फ्रेंड्स इसमें कि अदरक हमने 1 इंच के आसपास टुकड़ा लिया है और लहसुन की कलियां 5 से 6। तो इसे बिल्कुल अच्छे से इसका कच्चापन निकालेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा भुन चुका है, तब हम इसे मसाला ऐड करेंगे। आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी से थोड़ी सी कम चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आपको जैसा पसंद हो उस हिसाब से आप डालें। आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाले को हम थोड़ी सी पानी ऐड करके यहाँ पे भूनेंगे अच्छे से। मसाले को हमें 3 से 4 मिनट तक भूनना है मीडियम फ्लेम पे इसमें। तो ये मसाला हमारा भून चुका है, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालेंगे। हमने सोयाबीन को भिगाने के समय उसमें नमक डाला था, तो उस हिसाब से आप डालें क्योंकि हमारे सोयाबीन में नमक है। ये देखिए, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर का जो प्योरे तैयार किया था। तो टमाटर डालने के बाद फिर हम 1 से 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। मसाले को पूरा कंप्लीट करने में फ्रेंड्स 6 से 7 मिनट का समय लग जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम आधी नींबू इसमें निचोड़ेंगे। नींबू से क्या है ना फ्रेंड्स, थोड़ी सी खट्टापन आएगा और थोड़ी सी चटपटी बनेगी हमारा सोयाबीन मसाला। तो आप चाहे यहाँ पे विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बीज इसमें गिर गया है फ्रेंड्स, तो हम इसे निकाल लेंगे। आप यहाँ पे खट्टेपन के लिए विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने नींबू यहाँ पे डाला है। तो देखिए हमारा मसाला भी फाइनली भून चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसमें पानी डाल के इसे उबाल आने तक पकाएंगे। पानी को गर्म करने के साथ साथ इसमें हम सोयाबीन को जो फ्राई किया था हमने फ्रेंड्स, उसे हम डालेंगे। उसके बाद इसे हम 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे और इसे कवर करके नहीं पकाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सोयाबीन हमारा पहले से भीगा हुआ है और फ्राई हुआ है। तो यहाँ पे लास्ट में हमने गरम मसाला आधी चम्मच से थोड़ी सी कम डाला है। तो ये देखिए हमारी सोयाबीन मसाला की रेसिपी गाढ़ी होने लगी है, तो फाइनली ये तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए
है ना, लाजवाब टेस्टी। आपको देखने से इसका स्वाद का अंदाज़ा लग गया होगा फ्रेंड्स। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे बनाएं इस तरीके से, ताकि आपके घरों के लोग बोले कि वाह क्या आपने सब्जी बनाई है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप सोयाबीन की सब्जी बनाएं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। इस तरह से आप सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में, और आपके फैमिली को भी बहुत मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।